अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन एंड फ्रेश बाय द ग्रेस ऑफ अलमाइटी अल्लाह। तो आज के इस वीडियो में हम HCF मींस हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करेंगे 21 एंड 49 का बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इस मेथड में हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास दो या दूसरे ज़्यादा जितनी भी यहाँ वैल्यूज़ होती हैं उनके हम सबसे पहले प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं, और फिर उन प्राइम फैक्टर्स की हेल्प से हम इसका HCF या LCM दोनों ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अभी यहाँ हमें सिर्फ और सिर्फ HCF ही फाइंड आउट करना है। यहाँ जो हमारे पास फर्स्ट वैल्यू है वो है 21। तो सबसे पहले हम 21 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। किसी भी नंबर के प्राइम फैक्टर्स किस तरह फाइंड आउट करते हैं, उसे प्राइम नंबर से ही डिवाइड करते हैं जब तक कि हमारे पास 1 ना आ जाए। प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके सिर्फ और सिर्फ दो ही फैक्टर्स होते हैं, एक 1 और दूसरे वो खुद। यहाँ हमारे पास है 21 और स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है हमारे पास 2। 2 से 21 डिवाइड नहीं हो सकता क्योंकि इसके लास्ट में ऑड नंबर है, और 2 का डिविजिबिलिटी रूल ये है कि अगर किसी वैल्यू के लास्ट में इवन नंबर या फिर 0 होता है तभी वो 2 से डिवाइड हो सकता है। 2 के बाद जो नेक्स्ट नंबर है प्राइम नंबर वो है 3, और आपको पता है कि 3 के टेबल में 21 बिल्कुल आता है 7 पे। 3 टाइम 7 इज 21। 7 यहाँ पे खुद प्राइम नंबर है क्योंकि 7 अपने और 1 के अलावा किसी और टेबल में नहीं आता, इसलिए यहाँ 7 को हमने 7 से ही डिवाइड करना है। 7 के टेबल में 7 आता है 1 पे। उसके बाद जो नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास यहाँ है वो है 49। 49 हमें पता है ना ही 2 से डिवाइड हो सकता है, ठीक है, क्योंकि इसके लास्ट में है 9। 3 से भी डिवाइड नहीं हो सकता क्योंकि अगर हम इन दोनों को प्लस करें तो ये बनेगा 13। 13 जो है वो 3 का मल्टीपल नहीं है, इसलिए इसका मतलब है कि ये जो 49 है वो 3 से भी डिवाइड नहीं हो सकता, 5 से भी नहीं हो सकता क्योंकि ना ही इसके लास्ट में 5 है और ना ही 0, क्योंकि 5 का डिविजिबिलिटी रूल ये है कि अगर किसी वैल्यू के लास्ट में 5 या फिर 0 तभी वो वैल्यू 5 से डिवाइड हो सकती है। 5 के बाद जो नेक्स्ट प्राइम नंबर है वो है 7, और 7 से 49 बिल्कुल डिवाइड हो सकता है क्योंकि 7 के टेबल में 7 पे ही आता है 49, और 7 को यहाँ हमने 7 से ही डिवाइड करना है क्योंकि 7 के टेबल में 7 आता है 1 पे। दोनों को हम कम्प्लीटली डिवाइड कर चुके हैं, हमारे पास 1 आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, अब हम सबसे पहले प्राइम फैक्टर लिखेंगे 21 के, जो कि है 3 मल्टीप्लाई बाय 7। अब हम प्राइम फैक्टर्स लिखेंगे 49 के, जो कि है 7 मल्टीप्लाई बाय 7। अब हम इसके लिखेंगे कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर्स कौन से होंगे, मींस ऐसे फैक्टर जो कि दोनों में सेम हमें नजर आ रहे हैं। देखिए ये 7 जो है वो हमें दोनों में सेम नजर आ रहा है, यही जो है हमने इसे बाहर निकाल लिया। अब इसके अलावा हमारे पास और कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। 3 है तो यहाँ पे 3 नहीं है, 7 है तो यहाँ पे 7 नहीं है। तो अगर हमारे पास और कॉमन फैक्टर्स होते तो हम उनको भी यहाँ पे पेयर बना के बाहर निकाल लेते और फिर उन सबको मल्टीप्लाई करते तो हमें पता चलता इसका HCF मींस हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। लेकिन यहाँ पर अभी हमारे पास एक ही पेयर बना है, कॉमन फैक्टर एक ही है, इसलिए यही हमारा HCF भी है। मींस 21 एंड 49 का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो है 7। देखा आपने कितनी जल्दी से हमने जो है वो HCF फाइंड आउट कर लिया 21 एंड 49 का। आई होप कि वीडियो आपको अच्छे से समझ आई है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आएगी तो लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।